बिहार विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल फागू चौहान विधानसभा व विधान परिषद को संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की और उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की सरकार के जनहित और राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में भारत सहित पूरा विश्व कोरोना महामारी की तीसरी लहर से जूझ रहा है। इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार लोगों के साथ रही है, लेकिन कोरोना से बचाव तभी संभव है जब सभी लोग इसके प्रति सजग और सचेत रहेंगे और कोरोना से संबंधित सभी प्रकार के नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। पटना से संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।